11 साल के बच्चे की सूझबूझ से बची जान। साहस का परिचय देते हुए जकड़े सांप को किया खुद से अलग। सांप का नाम सुनते और देखते ही लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। पर बेगूसराय में एक 11 साल के लड़के ने सांप के साथ जो कुछ भी किया वो किसी करिश्मा से कम नहीं था। मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लरवाड़ा गांव में एक बच्चे को सांप ने उस वक्त काट लिया जब बच्चा खेत में घास काटने गया था। तभी जाल में फंसे सांप ने बच्चे के हाथ में काट लिया, जिसके बाद बच्चे ने सांप से डरने की बजाय सांप को जबरन खींच खींच कर अपने से अलग किया। इस दौरान सांप भी बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं था और बच्चे ने साहस का परिचय देते हुए सांप को खुद से अलग किया, जिसके बाद बच्चे ने अपने पैर को रस्सी से बांध कर सूझबूझ का परिचय दिया और जैसे तैसे घर पहुंचकर अपनी आपबीती अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद डरे सहमे परिवार वालों ने बच्चे को सदर अस्पताल लाया जहां उसका तत्क्षण इलाज किया गया। बच्चे की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लरवाड़ा वार्ड संख्या 6 के रहने वाले अबुंसर के 11 वर्षीय पुत्र शाहजहां के रूप में की गई है। इस घटना को जानने वाला हर कोई बच्चे के साहस का दाद दे रहा। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। क्या हुआ तुम्हारे हाथ? सांप काट लिया। यहाँ देखो कैमरा में। कहाँ सांप काटा? गाछी गए नदी किनारे घास काटने के लिए, जाल उठाए उसके बाद जाल सांप फंसा हुआ था, बस धर लिया सांप। छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाथ मारे 2-3 बार, तब छोड़ा। रस्सी बांध करके घर आए दौड़े हुए, उसके बाद गार्जियन को बोले तब आया बेगूसराय हॉस्पिटल लेकर के, सुइया उइया पड़ा, डॉक्टर बोला कुछ आराम करने को नहीं। सांप कब काटा तुमको? लंचम 12 बजे। कब? 1 बजे। कब? दिन आज। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहजहां। पिताजी का? मोहम्मद अबुना सर। घर कहाँ है? लरवाड़ा। पोस्ट? पोस्ट ऑफिस थाना मुफस्सिल।